भीषण रेल हादसे ने देश को दहला दिया है। इस हादसे ने न सिर्फ देश ही बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 2 जून को हुए इस हादसे को देश का सबसे घातक ट्रेन हादसा माना जा रहा है, जिसमें 288 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और लगभग 1175 लोग घायल हैं। शनिवार को हुई दुर्घटना के बाद अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। ट्रेन के कुछ डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और उन्हें बुलडोजर से उतारा जा रहा है। शुक्रवार शाम सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहले से ही खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं इसके बाद पीछे से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस बीच कोरमंडल एक्सप्रेस में सवार एनडीआरएफ के एक जवान ने सबसे पहले ट्रेन दुर्घटना के बारे में आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया था। एनडीआरएफ के जवान वेंकटेश एन के छुट्टी पर जा रहे थे। वेंकटेश ने सबसे पहले बटालियन में अपने वरिष्ठ निरीक्षक को फोन करके दुर्घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर साइट की लाइव लोकेशन एनडीआरएफ नियंत्रण कक्ष को भेजी और इसका उपयोग बचाव दल के मौके पर पहुंचने के लिए किया। वेंकटेश बताते हैं कि मुझे जोर का झटका लगा और फिर मैंने अपनी कोच में कुछ यात्रियों को गिरते हुए देखा। मैंने पहले यात्री को बाहर निकाला और उसे रेलवे ट्रैक के पास एक दुकान में बिठाया, फिर मैं दूसरों की मदद के लिए दौड़ गया। बता दें कि शुक्रवार शाम सबसे पहले कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहले से ही खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहां इसके बाद पीछे से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे को सदी का सबसे भीषण ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं हादसे के प्रारंभिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि इस दुर्घटना के पीछे का कारण सिग्नल सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर हो सकता है। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।